नमः शिवाय। पौष मास कृष्ण पक्ष मंगलवार तृतीया तिथि दोपहर 1:50 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में दोपहर 3:45 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुष्य नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, लोकप्रिय, माता पिता के भक्त, धर्म को मानने वाले, धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक व्यवहारिक, स्पष्टवादी, विश्वासपूर्ण पद प्राप्त करने वाले, मगर साधारण सी बात पर भी चिंतित हो जाते हैं और विषम परिस्थितियों का डटकर साहसपूर्ण ढंग से सामना भी करते हैं तथा सांसारिक कार्यों में सफल माने जाते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा चंद्रमा और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी कर्क राशि में ही चलते रहेंगे और राहु के साथ युति कायम रहेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ती रहेगी, मगर नक्षत्र दोपहर तक शनि का होगा। तत्पश्चात बुध का नक्षत्र कायम हो जाएगा, जिससे कार्य करने की अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा, अधिकारियों का दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और कुछ मामलों में विरोधाभास और दोषारोपण की संभावना भी बनती है। हालांकि हर विषम परिस्थितियों से आप अपने सूझबूझ से निकलने में सफल रहेंगे, मगर सत्संगति आवश्यक होगी। नकारात्मक विचारों को मन में ना लाएं और रचनात्मक क्रियाशीलता बनाए रखें। आज के दिन भी ऋण नहीं लेना चाहिए और ना ही आज के दिन किसी को ऋण देना चाहिए। आज के दिन का आर्थिक विनिमय नाना प्रकार की अड़चनें ला सकती हैं और आपका पैसा फंस सकता है, सावधानी अपेक्षित है। साथ ही आज का राहु काल दोपहर 3:30 से 4:30 तक कायम रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत या नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। मंगल की स्थिति कल से बदल चुकी है। मंगल कुंभ राशि से अब मीन राशि में आ चुके हैं, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति हैं और साथ ही मंगल अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि स्वयं बृहस्पति देव का नक्षत्र है, जिससे विशेष तौर पर मीन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातक लाभान्वित होंगे। मंगल का शुभत्व इन राशियों पर सबसे ज़्यादा कायम रहेगा और मन मुताबिक काम होने में मंगल का सकारात्मक सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा। शेष राशि के जातकों पर भी मंगल का प्रभाव उनके अपने कार्य कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। चंद्रमा का अपने राशि में होना बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल में सहायक होगा। अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। बहुत दिनों से सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर मन का अंतर्द्वंद, माता के स्वास्थ्य की चिंता, मानसिक तालमेल में कमी, याददाश्त का प्रभावित होना और मानसिक दुश्चिंता संभावित है। साझेदारी आज के लिए लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी, मगर किसी वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से तटस्थ रहना चाहिए। वृष राशि के जातकों के लिए किए गए प्रयास पूरे होंगे और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में होने से कार्य क्षेत्र में सुधार मिलेगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रयास अनुकूल रहेंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा, मगर अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। मेहनत करने की सकारात्मक भावना विकसित होगी और संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। निजी निवेश के संबंध में लिए गए निर्णय अनुकूल होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे, साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता और दृढ़ आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक मामलों में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आएंगे। सकारात्मक पहल जारी रखें। अचानक आर्थिक लाभ संभव है। साझेदारी के कामों में सहयोग मिलेगा, मगर आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी रखें। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग कायम रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर पारिवारिक संबंधों के साथ ही स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।
कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी की सौम्यता बनाए रखें। अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारी के साथ साथ मानसिक क्रियाशीलता और तर्क करने की प्रवृत्ति भी विकसित होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभव है, मगर स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता और पारिवारिक तालमेल में कमी और तात्कालिक नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि वाले जातकों को अनावश्यक भागदौड़, मानसिक उत्तेजना, मानसिक तालमेल का उतार चढ़ाव और सुख संसाधनों पर अनावश्यक खर्च वाला मिला जुला समय रहेगा, मगर मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी। रुके हुए काम भी संपन्न होंगे। अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर वाद विवाद और न्यायालय संबंधी कार्यवाही से बचें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा, सफल महसूस करेंगे और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का समय कार्य क्षेत्र को विकसित करने, संबंधित मामलों में निवेश और योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको व्यवस्थित करने के प्रति केंद्रित रहेगा। हालांकि व्यापारिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। रचनात्मक पहल जारी रहेगी और कार्य योजनाओं के लाभदायी अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका भी लाभदायक रहेगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। तुला राशि वाले जातकों को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में चली आ रही दुविधापूर्ण स्थिति संभावित है, मगर नई कार्य योजनाओं में उपलब्धि हासिल होगी और संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और मातृपक्ष से सहयोग जारी रहेगा। साझेदारी के कामों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर दोषारोपण की संभावना भी बनती है। महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकारियों का हस्तक्षेप संभावित है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी संतुष्टि महसूस होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कामों में रुकावट और दुविधापूर्ण मानसिकता के बीच लगा रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के विकास के प्रति ऊर्जा केंद्रित होगी और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और यात्रा संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, मगर निजी कार्यों में रुकावट या बाधा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन अनावश्यक यात्रा, मानसिक तनाव और भ्रमात्मक स्थिति वाला संभावित है, मगर कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनी रहेगी और सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, सफलता संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सुकून मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा और सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। पारिवारिक सदस्यों पर खर्च के साथ ही विचारों में भिन्नता और विरोधाभास की उम्मीद बनती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक दबाव महसूस होगा और नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। हालांकि कामकाज पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के आवश्यक संसाधनों में खर्च का संकेत भी मिलता है। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा।
वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर कुछ कामों में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। वाद विवाद और न्यायालय संबंधी कार्यों से परहेज करें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। किसी की सलाह पर अमल करने से पहले ठीक से सोच विचार लें। महत्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा किसी से साझा ना करें। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्तावों के लिए आज का दिन उचित रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।